मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जाने माने कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और एक्टर प्रभुदेवा पिछले हफ्ते टेम्पररी पैरालिसिस के शिकार हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब प्रभुदेवा अपनी आने वाली ट्राइलिंगुअल हॉरर स्पूफ फिल्म में गाने की शूटिंग कर रहे थे। प्रभुदेवा इसके बाद इतने सहम गए कि उन्हें लगा कि वो कभी चल ही नहीं पाएंगे। प्रभुदेवा ने खुद इस बारे में बात करते हुए कहा कि अचानक एक डांस मूव करते हुए मेरी पीठ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं चल ही नहीं पा रहा था। मैं बुरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया और इससे पहले मैं कुछ जान पाता मैं जमीन पर गिर पड़ा। प्रभुदेवा के गिरते ही एक्टर सोनू सूद के दोस्त तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि बुरी तरह मांसपेशी खींचने की वजह से उन्हें टेम्पररी पैरालिसिस हुआ है। हाल ही में एक इवेंट में सोनू सूद ने भी इसका जिक्र किया था। In the morning, I got a call from Prabhu sir that, you know, he had a severe backache and he was not able to move also. And we were really scared that, you know, the man who's going to dance and make us dance, you know, he is suffering. And then, you know, Ajay, you know, he took him to the physio. And once the music started playing, I think the whole backache was gone. I think that is why we call him Prabhu Deva, the man who defines actually what the real dancing is. So what, Prabhu sir, you want to say? First of all, thanks to you all and thanks to Kangana. Thanks and. इस पूरी घटना के बाद प्रभुदेवा ने हर एक आर्टिस्ट के लिए बात कही, चाहे कोई भी फाइट, डांस या इमोशनल सीन हो, इस पर जरूरत से ज्यादा जान ना लगाएं। आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं जमीन पर था, मेरी जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें मेरी आंखों के सामने आने लगी। मैं अपने दोनों बेटों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने ये फैसला किया कि मैं भविष्य में हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। मुझे ये जानकर राहत मिली कि मैं खतरे से बाहर हूँ, लेकिन 4 से 5 घंटे मुझे काफी तेज दर्द का सामना करना पड़ा। मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि बिना मूवमेंट के जिंदगी क्या होती है। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अच्छी बात ये रही कि ये पैरालिसिस अटैक महज टेम्पररी था। हमारी दुआ रहेगी कि भविष्य में कभी भी प्रभु देवा को ऐसी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।